हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। देशभरात ईदचा अगणित उत्साह मनवला जातोय। 4 जूनला चंद्र दर्शनानंतर आज बुधवारी सर्व मुस्लिम बांधवांनी नमाज अदा करत मोठ्या उत्साहात ईद साजरी केली। जळगाव मध्ये देखील ईदगाह मैदानावर मोठ्या जल्लोषात ईद साजरी करण्यात आली। सर्व मुस्लिम बांधवांनी एकत्र येत नमाज पठण करून गळा भेट घेत सर्वांनी एकमेकांना ईदच्या शुभेच्छा दिल्या। नवीन पेहरावांमुळे लहान मुलांमध्ये देखील उत्साहाचे वातावरण होते। सर्व घरोघरी शीरखुर्माचा देखील आनंद लुटला गेला। नेत्यांनी सर्व हिंदू व मुस्लिम बांधवांना पोस्टरच्या माध्यमातून ईदच्या शुभेच्छा दिल्या असून ईदगाह मैदानाजवळ कडक पोलीस बंदोबस्तात ईद साजरी करण्यात आली। यावेळी जिल्हाधिकारी अविनाश ढाकणे, पवित्र रमजान का दिन है, इस मौके पर मैं सभी जलगाव वासियों को ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। पोलीस अधीक्षक पंजाबराव उगले, यह शुभ अवसर पर सभी मुस्लिम भाइयों को मेरी और पुलिस दल की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक। आमदार राजमामा भोड़े, महापौर सीमा भोड़े, विविध सामाजिक संस्थेचे कार्यकर्ता आणि पदाधिकारी आदींनी मुस्लिम बांधवांना ईदच्या शुभेच्छा दिल्या। जळगावहून धर्मेंद्र राजपूत सोबत प्रियंका, इंडिया आप तक न्यूज मराठी। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी बावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।